हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शिवपाल और मैं आज फिर आया हूँ धनिष जी के साथ। एंड दिस इज द ईयर ऑफ लर्निंग फॉर मी, और लर्निंग भी ऐसी कि हिंदुस्तान क्या ऑफर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक शेफ का जीवन बड़ा कठिन है, एक उम्र गुजर जाती है लेकिन सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती। तो जैसे ही मैं इनसे मिला, एक नया सिलसिला शुरू हो गया सीखने का, जिनसे मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ। और ये बड़ी स्पेशल चीज़ लेके आई है मेरे लिए, ये बसंती का हंटर है। मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, धनिश्री आप बताइए कि ये है क्या। ये एक्चुअली गिलोय है, मतलब ये एक रनर, इट्स काइंड ऑफ हर्ब जो पेड़ों पे, रनर जो कहते हैं पेड़ों पे चढ़ते हैं, और इसको आप नॉर्मल गमले में भी लगा सकते हैं जनरली। तो इसका एक्चुअली गिलोय गुडुची इसका दूसरा नाम है, और इसको अमृता भी कहते हैं, मतलब द रूट ऑफ इमॉर्टलिटी। तो ये कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका आप सोच सकते हैं कि जो कभी मरता नहीं है वो कितना फ़ायदा दे सकता है आपके शरीर के लिए। तो अगर आप इसको रेगुलर अपने डाइट में रखें, जब हम इसको एज ए काढ़ा खाने के बाद रात के सोने से पहले अगर हम इसको पीते हैं, तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसमें आपको मतलब एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपको जो चाहिए मतलब आपको इससे पूरा बेनिफिट मिलेगा। डाइजेशन में आपको अगर बुखार है तो बुखार उसका कम फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको नॉर्मल सीजनल एलर्जीज होती हैं रेगुलर इसमें, तो इसका आपको डेली यूज़ करना चाहिए। अब नेचुरोपैथी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रोज एक पर्टिकुलर सिस्टम से नहीं फॉलो करेंगे फायदा नहीं मिलता, फर्क मतलब पता नहीं चलेगा। तो ये जैसे धनश्री बता रही थी कि अगर ये गिलोय का पेड़ नीम के पेड़ को लिपटा हो तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसके पत्ते वत्ते भी होते हैं, आप कुछ और भी बता रही थी कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, जैसे आपने कहा कि इसमें इतना जीवन है कि ये कटे हुए स्टेम को, एक्चुअली ये स्टेम है, ऐसे घूमते रहता है, तो इसको ऐसे छोड़ दूं पत्ते आ जाएंगे। मैं पक्का आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे ही छोड़ूंगा और पत्ते आते कि नहीं देखते हैं। ये एकदम ब्लैंड टेस्ट करता है। तो ये लोगों को अगर खरीदना हो मार्केट में जाके तो कहाँ खरीदेंगे? एक्चुअली खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको ये जगह जगह मतलब जितने भी जंगल होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन पहचान नहीं पाएंगे ना। हाँ, पहचान नहीं पाएंगे, पर एक्चुअली गिलोय अगर आपको, आपको आजकल नर्सरीज में पेड़ मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। अच्छा, इसके पत्ते कैसे दिखते हैं? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे पान शेप के होते हैं, पान शेप के होते हैं, बड़े होते हैं, इट कैन बी बिग आल्सो। तो आप एक्चुअली गूगल कर सकते हैं गिलोय करके, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। अब जैसे हमने ये इसका एक का ऊपर छिलका निकाल दिया है। अच्छा, छिलका कैसे निकालते हैं? ये जैसे देख रहे हैं आप, एक ड्राई है और एक ग्रीन है। तो ये छिलका ब्राउनिश जो पोर्शन है वो आपको, तो ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है आपने मेरे को बताया, ये इसको आप थोड़ा पानी में अगर सोक कर दें जल्दी जल्दी निकल आता है। अच्छा, छिलका, तो ये छिलका पतला सा पार्चमेंट निकल रहा है एकदम। चलिए बढ़िया है। तो इसका क्या करना है अभी बताइए। इसको हम कट कर देंगे, कैसे भी काटो। ओ, दिस इज वेरी सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट है, जितना फ्रेश होगा उतना सॉफ्ट होगा, मतलब एकदम फ्रेश है और एकदम ताजा है, ग्रीन है। ये मतलब ये देख के ऐसा लग रहा था कि ड्राई है। चलिए तो अभी काढ़ा बनाते हैं। अब ये मैंने काट लिया, अब क्या करना है? जिंजर काटूं? कितना काटूं? वो हम ले आधा ले सकते हैं। आधा ले लें, तो ये आधा मैं ले लेता हूँ। थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है। तो स्लाइस कर लूं? स्लाइस कर लीजिए। ये लीजिए, तो 1 इंच टुकड़ा जिंजर का। चलिए, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना बताइए? हम उनको ब्लेंड करेंगे थोड़ा पानी। अच्छा, पानी में ब्लेंड करना, ब्लेंड कर देते हैं सो दैट वो पूरा, अच्छा, उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। चलिए, पानी में, तो ये स्टार्ट बॉइलिंग द वाटर हियर। अर्दी मेरा, मैं मतलब काफी चीजें चेंज कर रहा हूँ अपने किचन में, तो ये मेरा अर्दी जग आ गया। कितना डालूं? हाँ, और मतलब इसमें आप एक ग्लास या 2 ग्लास बना के तो फिर हाफ करेंगे उसका, जितना अच्छा। भी आप पानी ले उसका हाफ आपको रिड्यूस करना, रिड्यूस करना। हाँ, तो हमने यहाँ पे कम से कम 3-1 कप लिए हैं पड़े वाले, स्टेज भी हम बताएंगे जहाँ पे आपको रुकना है। तो इसमें थोड़ा पानी इसमें से डाल देते हैं, ठीक है, पीस लेते हैं। अब मैं पीस देता हूँ उसको। This is how it looks like. So let me add this. Add कर दूँ? कुछ और तो नहीं add करना? पूरा add कर दूँ। इसमें ये add कर सकते। Long डालने? Long डाल देते हैं। Long डाल देते हैं, 4-5। ये pepper? हाँ। काफी? अच्छा, ये लीजिए। एक छोटा चम्मच pepper का डाल दे। अब इसको उबालना है, बस।
कोई मेजरमेंट वाली उतनी इतना नहीं है। हाँ, जैसे आप जितने फैमिली साइज हो उस हिसाब से आप उतना पानी आप ले लीजिए, कम से कम हर एक को 100 ml तो मिलना ही। ओके, सो दैट फोम इज व्हाट पीपल शुड नो दिस है। ओके, सो वी विल शो दिस। मतलब दिखेगा ये जो फोम दिख रहा है। अच्छा हाँ। तो ये थोड़ा आप जब बॉईल होना शुरू हो जाएगा हाँ। और फोम निकलेगा। इसको आप नॉनस्टिक वगैरह में नहीं बना सकते, नहीं, है ना? स्ट्रिक्टली नो। एमएस के बर्तन में, स्टील के बर्तन में प्रेफरेबली बनाना है। स्टील के बर्तन अगर लोग गांव में रहते हैं तो उनके पास मट्टी, मिट्टी के बर्तन तो ठीक ही है। बेस्ट। तो ये जो झाग आप बता रहे थे ये वही है। ये झाग है। तो ये पूरा एकदम जब पूरा हट जाएगा और एकदम क्लियर लिक्विड सेपरेट होगा तब हमको स्टॉप करना है। ओके, तो ये देखिए ये क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो चुका है उसका जो फोमी वो टेक्सचर वो निकल चुका है। अभी क्लियर हो चुका है। तो नाउ दिस इज रेडी। हाँ, इसको हम छान सकते हैं। तैयारी कर ले। देयर यू गो। इसको ठंडा करके लोग बॉटल में स्टोर करके हाँ, रख सकते हैं। वैसे तो मतलब जनरली स्टोर में हार्डली वन डे यू कैन स्टोर। एक दिन स्टोर हाँ, करते हैं नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब अगर मार्केट में अगर मिलता है किलो जूस तो फिर उससे अच्छा ये है। मतलब हम लोग जितना फ्रेश पिएंगे उतना सबसे ज्यादा बेस्ट है। और क्या, फैंटास्टिक। और ये तैयार है भाई, नई प्रकार की चीज बन गई है। पीजिए, हिंदुस्तान को हेल्दी रखना है भाई। अब ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा।